तो बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। तो तेजस्वी यादव ने भाजपा को दी चेतावनी। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ तोड़ा गठबंधन, राजद के साथ मिलकर नई सरकार का करेंगे गठन। तो बिहार में जारी सियासी संकट पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब लगभग तय माना जा रहा है कि वे राजद के साथ मिलकर राज्य में फिर से जेडीयू राजद की सरकार बनाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कल प्रजातंत्र टीवी ने साफ कर दिया था, सटीक सूत्रों के हिसाब से बता दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। तो अब राजद नीतीश कुमार को समर्थन दे सकती है। विभागों के आवंटन पर कोई मतभेद नहीं होगा। तो तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि विभागों के आवंटन पर कोई मतभेद नहीं होगा, उनके पास 160 की ताकत है। अगर भाजपा अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करती है या राष्ट्रपति शासन करने की कोशिश करती है तो हम उन्हें करारा जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को सीधी चेतावनी दी है। तो बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल फागू चौहान को इस्तीफा सौंपा। इससे पहले जेडीयू विधायकों के साथ बैठक के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया था। खबर यह है कि वह राजद के साथ मिलकर नई सरकार का गठन करेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर जेडीयू को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया। मुख्यमंत्री नीतीश ने यह बयान जेडीयू विधायकों के साथ बैठक में दिया है। तो बैठक में नीतीश कुमार ने पार्टी के विधायकों से कहा कि बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया, जेडीयू को खत्म करने की साजिश रची, बीजेपी ने हमारे विधायकों को खरीदने की तैयारी की थी। तो आपको बता दें, बैठक में विधायकों ने एमएलसी ने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि उनका वर्तमान गठबंधन 2020 से है और उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि वे एक ऐसा उदाहरण थे। ये भी कहा जाएगा कि अगर अभी सतर्क नहीं हुए तो ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा।